शेयर मार्केट जैसी चीज होती है, टाटा मोटर्स की शेयर खरीदी तो यहाँ पे सच में पैसा बनता है। क्या ऑप्शन ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी यूज करते हो? पैसा कमाना है या बड़ा कुछ करना है तो मैनेज करना ही पड़ेगा। शेयर मार्केट में मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकती हूँ? ये तो बहुत रिस्की है, ट्रेडिंग में लॉस हो गया तो भाई मेरे तो पैसे चले जाएंगे ना। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले यही सोचते हैं तो ये वीडियो आपकी सोच को चुटकियों में बदल देगी। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आपने ये अक्सर सुना होगा, इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यानी निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। और इसी डर से शायद आपने कई बार अपने कदम पीछे कर लिए होंगे कि ना बाबा ना, ये शेयर बाजार मेरे बस की बात नहीं। तो अब स्क्रीन पर आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इस पर जरा गौर फरमाइए। आमतौर पर जब भी आप किसी ऑटो में बैठते होंगे तो नजारा कुछ और होता है। यूं कोई ऑटो वाले भैया ऐसे लैपटॉप लेकर ऑटो तो नहीं चलाते। ध्यान दीजिए कि लैपटॉप की स्क्रीन पर शेयर मार्केट के चार्ट, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स के साथ स्टॉक्स की डिटेल्स भी है। ये ऑटो वाले भैया कौन है, इनकी सवारी कहाँ चलती है, ट्रेडिंग और इनका कनेक्शन कैसे बैठा, आइए एक एक करके इस शानदार कहानी के पन्ने पलटते हैं। अच्छा खासा रिटर्न मुझे जनरेट हुआ वहाँ से। लॉन्ग टर्म में क्या स्टॉक को लेना चाहिए? इस शेयर का भाव मतलब बहुत बढ़ गया। ये कहानी मुंबई के पवई की है। ऑटो वाले भैया का नाम है विशाल पैकराव। सवारी ना होने पर विशाल अपने रिक्शे में बैठते हैं, लैपटॉप ऑन करते हैं और फिर शुरू होता है शेयर बाजार में निवेश का सिलसिला। इन्होंने केवल 12वीं तक की ही पढ़ाई की है, पर स्टॉक बाजार में इनकी पकड़ किसी एक्सपर्ट से कम नहीं। लोकल 18 से बात करते हुए विशाल बताते हैं कि पहले ये कुरियर कंपनी में काम किया करते थे। जब बड़े बड़े ऑफिस में विशाल पार्सल देने जाते तो वहाँ लोगों से सुना करते, भाई आज तो इस शेयर में ना लॉस हो गया। बस फिर क्या था, विशाल ने खुद भी ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा, वो भी सिर्फ 10,000 रुपए के साथ। 12 के बाद मतलब 2017 के बाद देखिए, मतलब एक DTDC कुरियर जॉब में लगा था। जब मैं कॉर्पोरेट लाइन में डिलीवरी देने जाता था बड़े बड़े ऑफिस में, वहाँ से मुझे ट्रेडिंग के बारे में मालूम पड़ा कि शेयर मार्केट जैसी चीज हो। बातचीत करते रहते थे वहाँ पे सब, यार इस शेयर का भाव मतलब बहुत बढ़ गया, इतने इतने का प्रॉफिट हो गया, तो उसमें मेरी रुचि बहुत बढ़ गई। वहाँ से स्टार्ट किया शेयर मार्केट को सीखना। कुछ 2017 से मैंने कुछ सीखने के लिए स्टार्ट किया और लॉकडाउन के बाद मैंने वहाँ पे समझ लो इन्वेस्ट करना शुरू किया। 10,000 का अमाउंट इन्वेस्ट किया था, टाटा मोटर्स के शेयर बाय किए होंगे वहाँ पे कुछ 78 के रेंज में। और 3-4 महीने बाद जब वो शेयर मैंने 350 के भाव में बेचे, तब मुझे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या होता है और कैसे मतलब वहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, मतलब वहाँ पे मुझे समझ में आया तो यहाँ पे सच में पैसा बनता है। शेयर मार्केट में अच्छा रिटर्न चाहिए तो रिस्क उठाना पड़ेगा और चांसेस तो फिर लॉस के भी है। जब विशाल से लॉस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पिछले 3 साल में उन्होंने सिर्फ 10,000 से 12,000 रुपए का ही नुकसान झेला है। अब आपके मन में ये सवाल घूम रहा होगा कि भाई शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के बाद प्रॉफिट कितना हुआ, तो आइए ये सीधा विशाल से जानते हैं। सपने तो बहुत बड़े हैं वैसे, और मैं मतलब बताने से ज्यादा उस पे करने पे बिलीव रखूंगा। हम पहले इन्वेस्टमेंट में बहुत फोकस देते थे, लेकिन जब से वो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मालूम पड़ा, वहाँ से समझ लो बहुत ट्रेडिंग का नजरिया बदल गया। अगर ऐसा देखा जाए तो कुछ 80-90 हजार के आसपास कुछ प्रॉफिट होगा, क्योंकि कुछ चार्जेस वगैरह कटे होंगे और लॉस यहाँ जाए तो कुछ मिनिमम समझ लीजिए 10 से 12 हजार को लॉस हुआ रहेगा। प्रॉफिट और लॉस ये मैटर ही नहीं करता यहाँ पे, आपको यहाँ पे सीखने क्या मिल रहा है, आपका डिसिप्लिन और आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, यही आपको यहाँ पे मतलब आगे बढ़ा के लेके जाएगा। अगर हमें वेल्थ क्रिएट करना है तो ज्यादा फोकस इन्वेस्टमेंट में देना पड़ेगा, और मेरा तो ज्यादा फोकस इसी में कि मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे का ट्रेडिंग का जो भी प्रॉफिट होगा उससे मैं शेयर बाय करते जाऊंगा, मतलब एक मेरी वेल्थ क्रिएट हो जाए। शेयर मार्केट की पूरी कहानी तो आपने सुन ली, अब आपको एक खास बात और बता देते हैं। ये जो हमारे रिक्शे वाले भैया हैं विशाल, ये सोशल मीडिया पर अपने इस अलग अंदाज के लिए काफी फेमस है। इंस्टाग्राम पर इनके 80,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इनका यूजर नेम है trader_rickshawala। ऑटो रिक्शा चलाने के दौरान कई बार इन्हें अपने फॉलोअर भी मिल जाते हैं, फिर क्या बातचीत होती है, आइए ये भी सीधे विशाल से जानते हैं। अभी तो मतलब मेरे फॉलोअर्स भी मुझे मिलते हैं, हमारा कम्युनिकेशन ना बहुत अच्छा बन जाता है वहाँ पे कि भाई स्टॉक मार्केट में क्या करना है, कैसे वेल्थ क्रिएट करना है, क्या नहीं वेल्थ क्रिएट करने के लिए और क्या करना चाहिए अपन ने, तो हमारा एक कम्युनिकेशन ऐसा बन जाता ना कि मतलब बहुत लंबी थोड़ी बातें बन जाती है वहाँ पे, कि लॉन्ग टर्म में क्या स्टॉक को लेना चाहिए या ऑप्शन ट्रेडिंग में आप क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हो। तो मैं तो उनको यही बोलता हूँ कि ज्यादा फोकस माइंड सेट पे दो, प्रॉफिट अगर बुक हो रहा है तो फटाक से स्क्रीन ही बंद कर दो, मतलब बाद में स्क्रीन देखने की नौबत ना है, मतलब बहुत सी बातें अच्छी बनती है। बता दें इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी होता है, CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस और NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी के डेटा के अकॉर्डिंग देश में टोटल डीमैट अकाउंट 16.2 करोड़ से भी ज्यादा है। पिछले साल के कंपैरिजन में ये 34.66% बढ़े हैं। इसकी बहुत सी वजह है, जैसे अप्रैल 2024 में अब तक निफ्टी में अच्छा खासा इंक्रीज देखा गया,
जून में आईपीओ अच्छे प्रीमियम पर लिस्ट हुई। जून में 7 कंपनियों की आईपीओ से कुल 3000 करोड़ का कलेक्शन हुआ। इसके चलते इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। खैर, अब आप जरा ये सोचिए कि अगर एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला शख्स भी शेयर बाजार में निवेश कर सकता है तो आप क्यों नहीं। फ्यूचर सिक्योर करने के लिए शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन है। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। हालांकि समझदारी से निवेश करना बेहद जरूरी है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें लोकल 18।